अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदनान हमीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपने अपनी डिग्री को यूनिवर्सिटी से कैसे वेरीफाई करवाना है। उस वीडियो में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई बाकी भी जितनी ये जो बॉडीज़ हैं जिनसे हमारी डिग्रियाँ जो अटेस्ट होती हैं, जैसे IBCC है, HEC है, MUFA है, एम्बेसी है, तो इसके ऊपर भी आप जो है वो वीडियोज़ बनाएं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि IBCC से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यानी 9th और 10th के डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाने हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने अपने मुतालका बोर्ड के दफ्तर जाना है और बैंक में अपना चालान यानी कि फीस पे करनी है। उसके बाद आपने अटेस्टेशन वाला फॉर्म लेना है और उसको फिलअप करना है। चालान की जो कॉपी आपको मिली होगी वो आपने उस फॉर्म के बैक साइड पे लगानी है और फॉर्म को आपने मुकम्मल तौर पर फिलअप कर लेना है। अब आपने मैट्रिक और FSC की सनद या रिजल्ट कार्ड, उनके तीन तीन कॉपीज के सेट बनाने हैं। अपनी एक तस्वीर आपने इस फॉर्म के ऊपर लगानी है, जबकि बाकी एक एक तस्वीर आपने हर कॉपी के ऊपर लगानी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखें, ये मेरे मैट्रिक के तीन सेट बन गए। हर एक कॉपी के ऊपर मैंने एक तस्वीर लगा दी है। इसी तरह हमने जो है FSC के भी तीन सेट बनाने हैं, जो कि मैं अब बनाने वाला हूँ। ये देखें, ये तीन सेट बन गए FSC के। मेरे पास पांच तस्वीरें थी तो लिहाजा एक तस्वीर मुझे दूसरी लगानी पड़ी, तो आपने छह तस्वीरें लेकर जानी है। साथ में आपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बोर्ड दफ्तर में जमा करवा देने हैं, जो कि आपको इंतज़ार करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड में जो कागजात हैं वो वापसी हो रहे होंगे, वो होंगे 2 बजे के बाद। A few minutes later. ये देखें, इंतज़ार करने के बाद 2 बजे के बाद जब मैं आया हूँ तो मुझे जो है ये एक पार्सल मिल गया है। इस पे IBCC का एड्रेस लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर मैट्रिक और FSC एक एक कॉपी मौजूद है। आपने इस पार्सल को खोले बगैर ये पार्सल IBCC के दफ्तर पहुंचाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैंने जब ये अप्लाई किया था उस वक्त ये तरीक़ेकार अभी तक मुतारफ नहीं करवाया गया था कि आपने IBCC के लिए भी पहले से अपॉइंटमेंट ज़रूर लेनी है। पहले ये होता था कि आप वॉक इन करके, यानी कि आप जो है अपना ये पार्सल लेके जाके अटेस्ट करवा सकते थे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे रोक दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 हफ्ते पहले ये सिस्टम मुतारफ करवा दिया है कि जिस तरह HEC से आपने डिग्री वेरीफाई करवाने तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, इसी तरह IBCC के लिए भी अब ऐसा ही कानून है। तो आप लोगों ने अब जो है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, IBCC की वेबसाइट पे जाके अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट आपने ले लेनी है। और वहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक वॉक इन है यानी कि आप खुद जाएंगे IBCC के दफ्तर और अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के आएंगे। दूसरा तरीका होता है कोरियर का। तो ये जो तरीका मैं आपको मजीद आगे बताने जा रहा हूँ ये है कोरियर का। आपने उस पार्सल के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी 9th और 10th के डॉक्यूमेंट्स आपने पोस्ट कर देने हैं। ये देखें, जो एड्रेस लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया है और भेज दिया। 3 weeks later. ये देखें जी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए हैं, जो कि मैं वसूल करने के लिए मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक हो? चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स खोल के दिखाता हूँ कि आया कि ये वेरीफाई हो के आए हैं या नहीं, और IBCC की जो अटेस्टेशन का जो स्टैम्प है वो कैसा होता है। ये देखें जी, ये रहा, ये अटेस्ट होके मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए, 9th भी और 10th भी, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी सनद रही 9th 10th की, सॉरी 9th और 10th में बात करता रहा हूँ पूरी वीडियो में, यानी मैट्रिक और FSC की। मैं अपने अल्फाज की मादर चाहता हूँ। तो बहरहाल ये तरीका है आपने किस तरह टेस्ट करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और बाकी भी किसी की सजेशन है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।